Hi, this is Anchor Shivani Gupta at the most prestigious event of India, Anicon 2022, in the city of Joy, Kolkata. And here I have... Hello, myself, Dr. Rajneesh Kumar Jaiswal, MCH neurosurgeon. I am right now in BIN, Bangalore Institute of Neuro Sciences. So where are you located? Right now in Kolkata. Right, sir. All right, and sir, we at TIPCA, we are creating awareness about winning over epilepsy. So I would like to ask you something. Sir, how far do you think ki epilepsy ki awareness jo hai, wo epilepsy ki awareness jo hai, wo bahut kam hai, uski wajah se epilepsy kuch zyada hi badh rahi hai hamare desh mein? हाँ, एक्चुअली बहुत लोगों को वो लोग कुछ मतलब लोकल ट्रीटमेंट जैसे जूता सुंघाना इस टाइप से कुछ ना कुछ करते हैं, या फिर कभी झाड़ फूँक कराते हैं, जैसे कि किसी लोकल कोई क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो ना टूटा ये सब करते हैं, झाड़ फूँक करा के वो लोग सोचते हैं कि, या फिर कभी कोई सोचते हैं माता चढ़ गया इस टाइप से बोलते हैं, हाँ, तो इस तरह का ट्रीटमेंट कुछ कुछ होता रहता है, लेकिन अवेयरनेस कम है गाँव में, पेरीफेरी में बहुत ही कम अवेयरनेस है. बट अगर देखा जाए तो अगर प्रॉपर अवेयरनेस अगर हुआ है तो ट्रीटमेंट करने से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. तो सर, जितने भी लोग पीड़ित हैं एपिलेप्सी से, क्या उनकी ज़िंदगी नॉर्मल इंसानों की तरह हो सकती है? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं बिल्कुल हम नॉर्मल नहीं रहेंगे, हमें एपिलेप्सी है, उससे दूर रहो, उससे छुआछूत हो जाएगी, ऐसा कुछ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एपिलेप्सी के रोगी जो भी है उनको ट्रीटमेंट मिलने के बाद वो पूरे नॉर्मल इंसान की तरह रह सकते हैं, बस उनको समय पे दवाई लेने की ज़रूरत है. और दवाई सही समय पे लेते हैं, कोई डोज मिस नहीं करते, तो उनको इस तरह की घटना एपिलेप्सी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ेगा और अपना काम नॉर्मल वे में कर सकते हैं. खास करके उनको तो ड्राइविंग अवॉइड करना चाहिए, ड्राइविंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग और किसी भी तरह ऐसा टास्क चीज़ पे मतलब हैवी वर्क अगर थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल लाइफ की तरह ही पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं. राइट सर. सर, ऐसा कुछ है कि कोई भी वर्ग में ये एकदम है कि छोटे बच्चों को ही होगा और बड़ों को नहीं होगा, ऐसा कुछ भी है? ये क्लासिफाइड है अभी तक? ऐसा कुछ नहीं है. जनरली बच्चे लोग में जिसमें ज़्यादा होते हैं उन लोग में बाद में भी होने के चांसेस रहते हैं, बट फेब्राइल सीजर बोल के एक चीज़ होता है जो कि बच्चे लोग में होते हैं, स्टार्टिंग में जब भी फीवर आता है उसके साथ एसोसिएट रहते हैं, बाद में धीरे धीरे अपने आप बंद भी होते हैं और फ्यूचर में नहीं भी हो सकता, ऐसा भी होता है, ठीक है, वो फेब्राइल सीजर में ऐसा होता है. लेकिन ऐसा कोई खास ये नहीं है, किसी बच्चों में ही होगा, किसी वर्ग में हो सकता है. राइट सर. एंड मेडिकेशंस के अलावा आप क्या सजेस्ट करेंगे जो एपिलेप्सी को ओवरकम करने में हेल्प करेगा? मेडिकेशन के अलावा उनको अवेयर रहना चाहिए कि हम किसी इस तरह का टास्क में इन्वॉल्व ना हो जहाँ पे दूसरे के ऊपर रिस्क आ सके, ड्राइविंग वगैरह खास करके उनको अवॉइड करना चाहिए, और कोई भी हैवी वर्क और मेंटल स्ट्रेसफुल वाला वर्क इस तरह का नहीं करना चाहिए, ताकि उनको कोई ट्रिगर ना हो, इस तरह कोई स्ट्रेसफुल काम नहीं लेना चाहिए. And this was Dr. Sir with us, and thank you so much, sir. It was lovely having you at IPCA, winning over epilepsy. And I hope ये बहुत सारे patients तक पहुँचे और बहुतों को इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिले. Sir, before you leave, one last message. जितने भी लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए एक message आप क्या देना चाहेंगे? Don't lose hope. Follow treatment protocol properly and take medicine regularly. Don't stop medicine without order of advice of doctors. बिल्कुल सही कहा सर ने. दवाइयाँ लेते रहें, आप बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, बहुत जल्दी ठीक होने के चांसेस हैं. दवाइयाँ बिल्कुल ना छोड़ें, मिड में तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ें, और अपने डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी नहीं. सो डॉक्टर की सलाह मशवरा से आप काम करें. थैंक यू सो मच सर.